लॉ कमीशन की मोदी सरकार को सिफारिश। बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर देश के सभी राष्ट्रीय खेल संघ आरटीआई में आते हैं तो बीसीसीआई को क्यों नहीं शामिल किया जाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता टॉस, राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले करेगी बल्लेबाजी। मक्का मस्जिद केस में जावेद अख्तर ने एनआईए पर कसा तंज, कहा मिशन पूरा हुआ, मक्का मस्जिद केस में भव्य सफलता के लिए एनआईए को मेरी बधाई, अब उनके पास अंतर धार्मिक शादियों की जांच करने का समय होगा। महिला पत्रकार के गाल सहलाने के विवाद पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने मांगी माफी, कहा मैंने पोती समझकर स्नेहवश आपके गाल को थपथपाया था। कठुआ उन्नाव गैंगरेप और देश की बाकी दुष्कर्म पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के समर्थन में पहुंचे शरद यादव, मालीवाल ने कहा पीएम मोदी का वास्ता महिलाओं से नहीं पड़ा। ऐश्वर्या राय से हुई तेज प्रताप यादव की सगाई, तेज प्रताप ने पिता लालू के लिए ट्विटर पर लिखा मिस यू पापा। केरल में कठुआ उन्नाव गैंगरेप मामले पर विरोध प्रदर्शन करने वाले 900 लोग हिरासत में लिए गए, लोगों पर हिंसा फैलाने का लगा आरोप। हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन की 29वीं एंटी पायरेसी स्कॉट फोर्स का स्वागत है। कैश की किल्लत के चलते बुधवार को भी एटीएम के बाहर लगी रही लंबी लंबी कतारें। दिल्ली में एक उबर कैब ड्राइवर महिला यात्री के सामने करने लगा था हस्तमैथुन, आरोपी ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी ने दिया इस्तीफा, इससे पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान दे चुके थे इस्तीफा।